नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इंफॉर्मेशन के लिए राइट पिटीशन नंबर 1134 ऑफ 2080 तो इस केस की जो कॉपी है तो उसको मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो कॉपी है तो एक ईपीएस 95 पेंशन धारक द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो उसी के बेसिस पर जो है वो ये कॉपी जो है वो मैं आज आपके इंफॉर्मेशन के लिए आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जानते हैं कि इस राइट पिटीशन के ऊपर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई के लिए यहाँ पर तारीख तय की गई है, पर हमें अभी पता चलना बाकी है कि क्या सचमुच इस तारीख को जो है वो राइट पिटीशन नंबर 1134 ऑफ 2018 के ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो इसके ऊपर जैसे ही कोई कंफर्मेशन आएगा तो मैं आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोज में अपडेट करवा दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में राइट पिटीशन नंबर 1134 ऑफ 2018 जो है वो दाखिल है, और यह जो मैटर है तो एक स्टील प्लांट के एम्प्लॉय है और ईपीएफओ उनके बीच में है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो कॉपी है तो आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक आपके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके ये जो कॉपी है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कुल 46 पेजेस की ये कॉपी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो राइट पिटीशन है तो वो है वीएन शर्मा एंड ओआरएस वर्सेस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एएनआर। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो पिटिशनर है वो है वीएन शर्मा एंड ओआरएस और रिस्पोंडेंट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि इस कॉपी में लिखा गया है, एन एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन एज को पिटिशनर टू दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज कंपेनियन जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द हम्बल एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेंट अबाउट नेम। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो कॉपी है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसके बारे में जो है वो यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है। ये जो यहाँ पर कॉपी है तो इसमें उनकी सैलरी, उनकी सर्विस के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, साथ में यहाँ पर ईपीएस 1995 स्कीम की जो विशेषताएं है तो उसके बारे में भी पूरा जिक्र किया गया है। ईपीएस 95 कितने बेसिस पर आपको जो है वो पेंशन का भुगतान करती है, सैलरी लिमिट क्या है, तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले 5,000 रुपए की जो है वो सैलरी की लिमिट रखी गई थी। उसके बाद 1996 में इस स्कीम में जो रिवीजन हुई थी तो उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के जो सदस्य है तो उनको जो है वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर यानी हायर सैलरी पर जो है वो कंट्रीब्यूशन करने की जो सीमा है तो वो यहाँ पर बढ़ाई गई थी। और यहाँ पर जो है वो जो भी चेंजेस किए गए हैं तो उसका यहाँ पर पूरा जिक्र किया गया है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में कब कब रिवीजन हुए है तो उसके बारे में भी आप इस कॉपी में जो है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले यह स्कीम जो है वो 5,000 रुपए से शुरू हुई थी, यानी 1995 में इस स्कीम में जो है वो 5,000 रुपए की जो। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया गया है तो उसी की कॉपी जो है वो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर की। साथ में ये जो कॉपी है तो आप आपके रेफरेंस के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे जो है वो पढ़ सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी कॉपी के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे आप प्रेस करके सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ में यह वीडियो केवल ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इंफॉर्मेशन के लिए बनाए हैं और यह जो कॉपी है वो केवल ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इंफॉर्मेशन के लिए, इसका कहीं भी गलत इस्तेमाल हो ऐसा कोई उद्देश्य इस वीडियो में नहीं है। तो यह दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट जानने के लिए ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए।